हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 53 के बारे में। अगर हम भाग 53 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 52 तक तो पहले ही कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि आज भाग 53 भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इन जी एस श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए और इसी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस जी एस श्रृंखला को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। और जो आर ओ आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, 2024 आर ओ आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग चैनल से जुड़ी हैं और अपने पढ़ाई को सही तरीके से करें, और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें भी जीएस के बहुत सारे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिले थे जीएस श्रृंखला से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 53 के बारे में, और आप लोग इसे नोट्स ज़रूर बनाएं जो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र त्याग सकता है, अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। यानी कि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दिया दे सकता है या किसके नाम संबोधित करके दे सकता है। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, ठीक है, किसको पत्र लिखेगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अनुच्छेद जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है देखेंगे कि 124 दो क में आप देखेंगे कि न्यायाधीशों के त्याग पत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न का आंसर लिखते रहिए, उत्तर लिखते रहिए, जिससे आप लोगों का जो नोट्स है बेहतरीन तरीके से बने। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में एक एक प्रश्न निश्चित ही बन ही जाते हैं, पेट में भी आप देखेंगे कि पूछा था सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यायाधीशों के बारे में जानिए, और हमने सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ किया है कल भी, पिछले भी जो जी श्रृंखला थी उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया जा रहा था। तो यहाँ पर आप सर्वोच्च न्यायालय देखिए ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद हम राज्य पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें लोग नोट डाउन करते रहिए। आपका अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, ठीक है, किसका वेतन निर्धारण, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, विधि आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा। तो आप जानते हैं कि संसद के द्वारा न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, ठीक है, संसद के द्वारा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, काम किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 125 एक के तहत, 125 एक के तहत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है। और हमने अब बताया था कि आपको कि जो न्यायाधीशों का जो संख्या निर्धारण करने का अधिकार है वो संसद के पास है, कि किसी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी संख्या कितनी होगी उसका निर्धारण संसद करता है, लेकिन न्यायाधीशों का नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को संबोधित कर या राष्ट्रपति के नाम पर लिख कर या फिर राष्ट्रपति के को देकर, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग चीज़ें याद रखिए, कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो 125 हमने हर एक प्रश्न में अनुच्छेद के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है किस प्रकार से, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लगती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, विधि आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, यहाँ पर सिफारिश है, सिफारिश पर, और संसद की सिफारिश पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद की सिफारिश पर देखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगती है, और वहाँ पर असमर्थता के कारण जो राष्ट्रपति है उनको हटा सकते हैं,
ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसमें काम करते हैं आप देख लीजिए। अनुच्छेद जो है एक 124(4) है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4). 124(4) में क्या दिया गया है कि किसी भी अगर उच्चतम न्यायालय का कोई भी अगर न्यायाधीश है तो राष्ट्रपति अगर उसको असमर्थ पा रहा है अपने कार्य करने के लिए, अयोग्य पाया जा रहा है वो अपने कार्य करने के लिए, या भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है, तो संसद क्या करेगी कि उसके प्रति, उसके विरुद्ध जो है वहाँ पर एक प्रस्ताव पेश होगा संसद में और 2/3 बहुमत से पास होगा, और उस प्रतिवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपके अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। ठीक है, तो 124(4) के तहत जो मुख्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको अपने कार्य में असमर्थ होने के लिए या अक्षम होने के लिए, अयोग्य होने के लिए, या किसी कोई वहाँ पर वो गड़बड़ी कर दे रहा है कोई न्यायाधीश, तो उसके विरुद्ध जो प्रक्रिया किया जाता है, एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है प्रतिवेदन, और वहाँ पर उसको प्रतिवेदन को संसद में 2/3 बहुमत के द्वारा पास किया जाता है, फिर उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वो अनुच्छेद 124(4) के तहत किया जाता है। और एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124(5), ठीक है, 124(5). इस अनुच्छेद में आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर। ठीक है, तो ये दो अनुच्छेद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अनुच्छेद 124(4) में उसके अयोग्य होने के लिए जो प्रतिवेदन तैयार करके जो 2/3 बहुमत से पास कराकर राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, तो वो संसद की सिफारिश होती है, तो जो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है तो उसमें 124(4) की मदद ली जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) के तहत वहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, इसको समझते चलिए कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है संसद की सिफारिश पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर। ठीक है, अगर संसद की सिफारिश दे रहा है तो वो भी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, महाभियोग दिया है तो वो भी आप लोगों का सही होगा। ठीक है, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपका अलग तरीके से चलती है न्यायाधीशों पर। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। ठीक है, किस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम इन लोगों का इनका डेट लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें, स्वदेशी आंदोलन आंदोलन ठीक है, तो यह हुआ था आपका 1905-6 में। ठीक है, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, तो आप सोचिए कि 1905-6 में भारत में महात्मा गांधी हैं? नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जो आए हैं भारत में वो 1915 में आए हैं, तो इसी आंदोलन से यहाँ पर इन्होंने संबंधित नहीं है। और इसका जो नेतृत्व किया था SN बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर हैं। ठीक है, SN बनर्जी। और बाकी तीनों आंदोलन जो है महात्मा गांधी के। खिलाफत की अगर हम बात करें, खिलाफत आंदोलन जो है एक तरह से मान के चलिए कि गांधी के जीवन पर बट्टा लगा था, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस तरह से किया, ऐसा लोगों का, विद्वानों का मानना है। लेकिन गांधी के समझ में जो बातें देखने को मिलती हैं कि गांधी ने यहाँ पर खिलाफत को जो जोड़ा था असहयोग आंदोलन से, उसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता को परखने की कोशिश किया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम को एक ही मंच पर लाने का कोशिश किया था। क्योंकि उसके 4 साल पहले आप देखेंगे कि 1916 में जो है कि लखनऊ लीग समझौता भी होता है, कांग्रेस लीग समझौता भी होता है, उसी के आधार पर उन्होंने खिलाफत को भी असहयोग में जोड़ने का प्रयास किया 1920-21 में। ठीक है, 1920-21 में, तो यहाँ पर गांधी हो गए इसके नेतृत्वकर्ता। और खिलाफत का जो वहाँ पर मुद्दा उठा था कि आप देखेंगे कि तुर्की में वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा हैं कि एक कोई
शासक है मुस्तफ़ा कमल पाशा ही हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर खलीफा के पद को लेकर वहाँ पर आंदोलन हो रहे थे। तो जब आंदोलन हो रहे थे तो उसके तर्ज पर खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पर प्रारंभ करने का प्रयत्न किया, लेकिन आप देखेंगे कि कालांतर में तुर्की में जो मुस्तफ़ा कमल पाशा वहाँ पर लोकतंत्र लागू कर देते हैं, तो वहाँ पर जो खलीफा का पद था वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब स्वतः ही समाप्त हो गया तो वो आंदोलन भी वहाँ पर समाप्त हो गया, और वहाँ पर देखेंगे कि उसी के तर्ज पर जब आंदोलन भारत में चला था तो ये भी उसी समय समाप्त हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा की अगर बात करें, सविनय अवज्ञा, ठीक है, तो आप देखिए कि किस प्रकार से इसका नाम देखिए कितना सविनय अवज्ञा बहुत, आप देखेंगे कि हर एक आंदोलन में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा देखने को आपको मिलेगा। सविनय का अर्थ होता है जो कि हम विनती कर रहे हैं, विनम्रता, ठीक है। सविनय अवज्ञा मतलब कि आप जो कह रहे हैं हम उसको नकार रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम किसी के आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं, किसी के आज्ञा का को नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पर वो जगह अवज्ञा, ठीक है, यानी कि हम ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा, क्योंकि इसमें हम लोग हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम विनम्र होकर आंदोलन कर रहे हैं और विनम्रता से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन किया कहा गया। और सविनय अवज्ञा का जो प्रयोग पहली बार भारत में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा वो था चंपारण सत्याग्रह, और इसका जो काल है आप देखेंगे कि 1930, और वैसे तो ये दो बार प्रारंभ हुआ है भारत में, सविनय अवज्ञा जो 1930 में एक बार हुआ था, एक बार 1935-36 के लगभग में हुआ था, और फिर उसके बाद भारत छोड़ो की अगर बात करें, भारत छोड़ो यह तो अंग्रेज़ों के लिए नासूर बन गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे और गांधी ने इसको अवसर के रूप में भापा और यहाँ पर भारत छोड़ो और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दे दिया, और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942, वैसे तो 6 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, तो हम डेट नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इस तरह से याद रखें 1942, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए और सुनिए और उसको समझने का प्रयत्न कीजिए, और हम लोग इतिहास के बारे में बहुत ही सारी बातें करेंगे। अभी तो एनसीईआरटी चल रही है, तो एनसीईआरटी जैसे 3 अध्याय खत्म होंगे, 3 पुस्तक खत्म होंगे, तो उसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक कोर्स लॉन्च किया जाए वहाँ पर किसी पार्टिकुलर कोर्स को लेकर, तो जब हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को विधिवत तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था, ठीक है, सर्वप्रथम पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम पहले आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि नेहरू ने बापू कहा, ठीक है, बापू शायद इन्हीं ने कहा था, इन्होंने ही कहा था, बापू कहा था, टैगोर ने, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी को जो बोला गया है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टैगोर ने कहा था महात्मा, सर्वप्रथम महात्मा टैगोर ने ही कहा था, ठीक है, टैगोर ने कहा था, और बोस ने आप देखेंगे कि राष्ट्रपिता कहा है, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लिए कि भारतीयों ने महात्मा गांधी को ये बात कही है, और विदेशियों ने जो जो कहा है कि उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कि अर्धनंगा फकीर उसको बोला गया, विंस्टन चर्चिल ने बोला अर्धनंगा फकीर, शायद उसी ने बोला था, और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें इनके बारे में बोली गई थी विदेशियों के द्वारा। तो किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द, ठीक है, महात्मा शब्द किस आंदोलन के दौरान जुड़ा, ठीक है। तो हमने महात्मा गांधी के जो महात्मा जो शब्द है उसके बारे में बताया कि किसने उनको बोला था महात्मा शब्द पहली बार। आप देखेंगे कि वो महात्मा जब पहली बार बोला गया तो किस आंदोलन के दौरान जुड़ा था, वो था आपका चंपारण, ठीक है। चंपारण आपका 1917 में हुआ,
और फिर उसके बाद देखेंगे कि अहमदाबाद मिल मजदूर होता है 1918 में फरवरी मार्च में, और मार्च में खेड़ा सत्याग्रह होता है, 1920 में असहयोग होता है, और इसी असहयोग में देखेंगे कि खिलाफत को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन हैं, आप महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं सारे आंदोलन हैं। कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा सदे जुड़ा था, वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से बनते हैं, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, तभी आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है कि एक तरफ दर्रे का नाम दिया गया, एक तरफ लोकेशन दिया गया किस राज्य में स्थित हैं, और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो हिमालयन दर्रे हैं, हिमालय के दर्रे हैं, नीति दर्रा उत्तराखंड, जैलेपला सिक्किम, बोमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। तो आप जान देखिए कि नीति दर्रा तो नीति माना लिपुलेख ये सारे दर्रे जो हैं आपके उत्तराखंड में अवस्थित है, जैलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में, हिमाचल में दिफू दर्रा, अरे हिमाचल में देखेंगे कि बाड़ा लाचाला दर्रा है, और फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और दिफू दर्रा। ठीक है, तो ये जो दर्रा आपका पड़ता है बोमडीला, इसको बोमडीला भी लिखिए, बोमडीला लिखिए। ठीक है, वैसे तो भारत के जितने भी दर्रे हैं सबने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली है। ठीक है, कि हर दर्रे में आप देखेंगे कि जैलेपला, बोमडीला, नाथुला, ठीक है, इस तरह से नीतीला, मानाला, सारे के सारे दर्रे जो हैं आप लोगों के वो एडवोकेट हैं भारत के। ठीक है, बोमडीला ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर हमें अरुणाचल प्रदेश इस तरह से लिख दें तो आप लोग समझ जाएंगे, और दिफू दर्रा भी है, और हिमाचल में आप देखेंगे कि बाड़ा लाचाला, देखिए ये भी आपका लॉ किया है बाड़ा लाचा ला। ठीक है, तो भारत हिमालय के सारे दर्रे जो हैं आपके लॉ की डिग्री लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि बाड़ा लाचा जो है HP हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, आप लोगों को दर्रे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये दर्रे मिलाने के लिए भी देता है कि पूर्व से पश्चिम का क्रम भी देता है और पश्चिम से पूर्व का भी क्रम देता है मिलाने के लिए। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि असम हिमालय। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में हमने बहुत बार बात किया है कि प्रादेशिक विभाजन और प्राकृतिक विभाजन हिमालय का, तो आप लोगों को तो बहुत सारा रिवीजन भी हो गया होगा कि एकदम रट्टा मरा गया होगा कि कौन सा हिमालय किस नदी के बीच में है और उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, जो लोग रेगुलर हैं चैनल पर, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं GS श्रृंखला, उनको तो एकदम अभ्यस्त हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हिमालय का विभाजन। ठीक है, हम दोनों विभाजनों के बारे में बात कर ले रहे हैं, एक हिमालय का प्राकृतिक विभाजन के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, बस देखेंगे, देखा जाएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे क्योंकि वो ये प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक बस हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से हिमालय का विभाजन किया गया है, प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, हिमालय का प्राकृतिक विभाजन में चार श्रेणियां देखने को आती हैं, वैसे तो पाँच माना जाना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक विभाजन यहाँ पर पश्चिम से पूर्व लिया गया है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में आप देखेंगे कि किस प्रकार से पहला इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, हम सारे नाम लिख दे रहे हैं पार हिमालय। ठीक है, और यहाँ की नदियाँ जो हैं ट्रांस हिमालय की जो नदियाँ हैं हिमालय के निर्माण से पहले की हैं। ठीक है, जबकि हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था उस समय से ये नदियाँ प्रभावित हैं। कौन सी हैं, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, तीन नदियां हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात महान हिमालय, महान, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, वृहत, और फिर इसके बाद आप देखिए कि हिमाद्री इसी को बोला जाता है महान हिमालय को, ये हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई इस तरह से, महान, ग्रेट, वृहत, हिमाद्री हिमालय। फिर इसके बाद तीसरा जो आता है इसको मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय बोला जाता है,
मध्य या लघु हिमालय। चौथी जो श्रेणी है हिमालय की वो है शिवालिक, शिवालिक ठीक है। और एक इसको शिवालिक हिमालय बोला जाता है, और शिवालिक के दक्षिण में आएंगे आप तो वहाँ पर बांगर, खादर, इस तरह से रेय, फिर भूर, इस तरह से चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं ठीक है। और देखेंगे कि वो सारी जो चीज़ें होती हैं कि रे हो गया, फिर उसके बाद बांगर हो गया, खादर हो गया, भूर हो गया, और फिर उसके बाद एक चीज़ उसमें और आता है तराई करके, तराई आता है, तो वो सारी जो हैं मिट्टियों के लिए प्रसिद्ध हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, किस में भुरभुरी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी की जलधारण क्षमता सही अच्छी होती है, कौन सी बलुई है, कौन सी डोमत है, उस तरह की मिट्टियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं शिवालिक के दक्षिण में। गिरिपदी प्रदेशों में आप देखेंगे कि वहाँ पर गंगा यमुना का मैदान आ जाता है ठीक है। और पाँचवा अगर इसको अगर हम मानते हैं, अगर मानना चाहे तो पूर्वांचल की श्रेणियाँ जो हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ में है ना, इसलिए इसको वहाँ पर गिना नहीं जाता है, वैसे इसीलिए ये इन्हीं चारों को बस लिया जाता है ठीक है। तो हम आपको पूर्वांचल की श्रेणियाँ जो हैं ये भी आपकी हिमालय का ही भाग हैं ठीक है। कि सिंटेक्सियल बेल्ट आप देखेंगे कि इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है ठीक है। तो सिंटेक्सियल बेल्ट की तरह यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है कि घोड़े की काठी के आकार का हिमालय का निर्माण है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हिमालय का ये प्राकृतिक विभाजन हो गया। और इसके बाद बात करते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम बात करते हैं, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ठीक है। इसका विभाजन किसने किया था, प्रादेशिक विभाजन ठीक है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का जो बांटा था इन्होंने प्रादेशिक, ये आपका लंबवत है, वर्टिकल है ठीक है। तो हिमालय का जो वर्टिकल आप देखिए कि जो प्राकृतिक है वो क्षितिज है इस तरह से है, लेकिन जो प्रादेशिक है वो वर्टिकल इस तरह से है ठीक है। तो जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसको बांटा गया था सर्वप्रथम सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा, सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा। और इसमें चार प्रकार के हिमालय हैं, चार हैं, और उन चारों का हिमालय देखिए कौन कौन सा। पहले नंबर पर आता है पंजाब हिमालय ठीक है। पंजाब हिमालय का जो लंबाई आप देखेंगे कि 560 किलोमीटर है, और ये कहाँ कौन सी नदी है, सिंधु व सतलज नदी के मध्य में यह हिमालय है ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कौन सी नदी कहाँ पर आता है। पंजाब के बारे में देखिए कुमायूं हिमालय नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा ना, कुमायूं हिमालय। इस तरह देखिए 320 किलोमीटर का इसकी लंबाई है, 320। और इन चारों की लंबाई जब आप आपस में कैलकुलेट कर देंगे ना, जोड़ देंगे, तो वहाँ पर पूरा जो क्षैतिज विस्तार है इसका वो भी लंबाई उतनी ही इसका भी आता है ठीक है। 320 किलोमीटर ये है आपका सतलज व काली नदी के मध्य में। सतलज आप लोगों को तो एकदम याद हो गया होगा कि जो लोग रेगुलर हैं उन लोगों को तो याद हो गया होगा कि प्रादेशिक विभाजन कैसे कैसे है। फिर उसके बाद देखिए नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की है, 500 किलोमीटर के लगभग में है इसकी लंबाई, 800 किलोमीटर के लगभग, ये तो इसी के बराबर आ जाएगा ना, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो 800 किलोमीटर की लंबाई इसकी है, सबसे ज़्यादा लंबा इसी का है। और ये कौन सी नदी है, काली व तीस्ता नदी के मध्य में है ठीक है। तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। फिर इसके बाद आता है असम हिमालय ठीक है। यहाँ पर कौन सा हिमालय आता है, असम हिमालय ठीक है। असम हिमालय का जो लंबाई आप देखेंगे कि 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर ठीक है। इस तरह से और यह स्थित जो तीस्ता वह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित है
ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि दिहांग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दिहांग एक नदी है, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में भी विद्यमान है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन सही होना चाहिए वो है तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य में आपका असम हिमालय अवस्थित है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए और उसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील राजस्थान राज्य में अवस्थित नहीं है। नहीं है पूछा है कि राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। तो इन चारों में से तीन झील राजस्थान में होंगी, लेकिन एक झील जो है राजस्थान राज्य में नहीं होंगी, ठीक है। कौन सी? राजसमंद झील, पिछौला झील, लुकन करण सर झील या देवताल झील। तो जितने भी ताल सद जुड़े हुए हैं या आपके या तो हिमाचल में है या तो आपके वहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ताल झीलें हैं वो आपके उत्तराखंड या तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दो राज्यों के झीलों के नाम बता देते हैं, एक राजस्थान के और एक उत्तराखंड के, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। राजस्थान, एक तरफ हम राजस्थान लिख देते हैं, राजस्थान की झील, ठीक है। और आप देखेंगे कि कितनी संख्या में है, और फिर एक तरफ लिख देते हैं कि उत्तराखंड की झील, उत्तराखंड की झील, उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तराखंड की झीलें, ठीक है। यहाँ पर झीलें लिख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें हो गई। और कौन कौन सी है? पहले राजस्थान की हम लिख देते हैं, राजसमंद झील, राजसमंद से ही प्रारंभ करते हैं, राजसमंद झील, राजसमंद झील हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि पिछौला, पिछौला झील, ठीक है। फिर उसके बाद लून करण झील, लून करण सर, लून करण सर झील। फिर उसके बाद देखेंगे कि जयसमंद झील। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि एक भी झील छूटनी नहीं चाहिए राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान आप देखेंगे कि वहाँ पर रेतीली चीज़ें हैं, वहाँ पर रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, वर्षा कम होता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो सिंचाई का साधन है झीलें होती हैं, ज़्यादातर झीलें से होती है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि, और यही कारण है कि वहाँ की झीलें जो हैं फेमस हो जाती हैं, कि राजसमंद हो गया, पिछौला हो गया, लुकन लून करंसर हो गया, राज जयसमंद हो गया। फिर उसके बाद देखिए फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। और फिर उसके बाद डिंडवाना झील, डिंडवाना झील, ठीक है। इतनी सारी झीलें जो हैं आपके राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद देखिए देवताल झील, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में झीलें हैं देवताल। फिर उसके बाद नैनीताल, ठीक है, सिर्फ हम नाम लिख दे रहे हैं नैनीताल। फिर उसके बाद आप देखिए राकसताल, राकसताल। फिर उसके बाद मालाताल, मालाताल। और फिर नैकुछिया ताल, ठीक है, ये भी नाम देखिए कैसा है, नैकुछिया ताल, ठीक है, नैकुछिया ताल। और फिर उसके बाद एक है खुरपा ताल, खुरपा ताल। और देखिए कि जितने भी ताल से जो झीलें हैं ताल नाम से, आपको उत्तराखंड में पड़ती हैं या तो हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। और एक दो ताल जो है इधर उधर होगा, बाकी चीज़ें वो है आपका वहीं पर है। तो देवताल झील जो है आपका राजस्थान राज्य में अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समग्र शिक्षा अभियान 14 अप्रैल 2018, पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 30 मई 2019, पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018,
मुस्कान इस्माइल योजना आपका 12 फरवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक बार पीएम आशा योजना के बाद चेक करिएगा कि ये कब का आया हुआ है। ठीक है, यह कब का पीएम आशा योजना जो है, इसको इस योजना को एक बार चेक करिएगा आप लोग कि ये कब का आया योजना हुआ है। ठीक है, कौन सन में, ये 2018 का है या 2020 का है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चले। कुछ चीज़ें अगर मिस प्रिंट हो जाती हैं तो मेरे दिमाग जहन में जो रहता है वहाँ आप लोगों को बता देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान जो है आपका 14 अप्रैल 2018 का नहीं है, या 1 अप्रैल 2018 का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान जो है आपका 1 अप्रैल 2018 का है यह। ठीक है, 1 अप्रैल 2018, और 14 अप्रैल 2018 को जो था वन धन योजना था। ठीक है, वन धन योजना, और आप जानते हैं कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके नाम के अनुरूप उनका कार्य होता है। ठीक है, 18 अप्रैल 2018 लिखा गया, 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल का जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है वहाँ पर, उस समय उसी दिन यहाँ पर वंदन योजना लागू किया गया था। तो आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा कि पीएम आशा योजना जो है वो 18 का है कि 2020 का है। डेट उसका सही है, सितंबर का ही है, वो हमको याद है कि 12 सितंबर को यह लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए। योजनाओं से प्रश्न आप लोगों को बनते हैं, कब योजना लागू की गई थी, किस सन में योजना आई थी, डेट सहित वो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो आप लोगों को मिलान करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से नोट्स बनाते रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि तीनों के तीनों एंजाइम्स जो हैं आपके प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं, और तीनों एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं वो भी आप लोग लिख लीजिए। पेप्सिन आपका पाया जाता है जठर रस में। ठीक है, जठर रस। ट्रिप्सिन आपका पाया जाता है आप देखेंगे कि अग्नाशय रस में। ठीक है, अग्नाशय रस में। ठीक है, इसके बाद इरेप्सिन आप देखेंगे कि इरेप्सिन पाया जाता है आंत्रीय रस में, इरेप्सिन जो है आपका आंत्रीय रस में पाया जाता है। ठीक है, आंत्रीय रस में। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वसा के पाचन में कौन सहायक है, प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक है, मंड के यानी कि स्टार्च के पाचन में कौन सहायक है, इस तरह से प्रश्न भी आप लोगों से बन जाते हैं। और आप लोग इन सारी चीज़ों से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था, तो आप लोग इन जिन श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए और इसे नोट्स बनाते चलिए, और नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का जीएस जो है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, जीएस श्रृंखला पसंद आती होंगी, और उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस जीएस श्रृंखला को उस तरह से तैयार ही किया जा रहा है कि वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने घर वालों माता पिता का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं अगली श्रृंखला में इसी तरह से शानदार तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद।